व्यूअर्स, आज हम आपको पॉइंटर अर्थमेटिक इन सी पढ़ाने वाले हैं। कल हमने आपको पॉइंटर बताया था, आशा है आपको वो समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो कमेंट में जरूर पूछिए। पॉइंटर अर्थमेटिक इन सी, अ पॉइंटर इन सी इज एन एड्रेस विच इज अ न्यूमरिक वैल्यू, देयरफॉर यू कैन परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन पॉइंटर जस्ट एज यू कैन ऑन न्यूमरिक वैल्यू। जैसे आप न्यूमरिक वैल्यू के साथ अर्थमेटिक परफॉर्म करते हैं, वैसे ही आप पॉइंटर के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन उसका कुछ रूल है। देयर आर फोर अर्थमेटिक ऑपरेशन दैट कैन बी यूज ऑन पॉइंटर, प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस एंड माइनस। इसके अलावा मल्टीप्लीकेशन और डिविजन भी आप कर सकते हैं कुछ केसेस में। सबसे पहले हम आपको ये बता दें, ये कॉन्सेप्ट जो है वो पॉइंटर का, स्टार जब लगा होता है इसके मतलब है हम पॉइंटर की वैल्यू के साथ वर्क कर रहे हैं, और जब स्टार नहीं लगा होता है तो इसका मतलब होता है कि हम पॉइंटर के एड्रेस के साथ वर्क कर रहे हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप पॉइंटर में इजीली काम कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको हमेशा कन्फ्यूजन होगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग पॉइंटर, व्हेन यू पुट अ स्टार बिफोर वेरिएबल दैट मीन्स यू आर वर्किंग विथ अ पॉइंटर variable values, and when you use a pointer variable without a star means working with a pointer variable address. आपने pointer variable define किया, लेकिन जब उसके आगे star लगा होगा तो मतलब आप उस समय pointer की value से operate कर रहे हैं, और जब आप star नहीं लगा होगा that means कि आप pointer के address से work कर रहे हैं। सो कैसे अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है एड्रेस या वैल्यू पॉइंटर की, हम लोग देखते हैं। वैल्यू इज इंक्रीज और डिक्रीज बाय द लेंथ ऑफ द डेटा टाइप। डेटा टाइप के हिसाब से वैल्यू का एड्रेस जो होता है बढ़ता है या घटता है। जो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि इंट में 2 byte, करेक्टर में 1 byte, फ्लोट में 4 byte और डबल में 4 byte लेता है। जैसा कि हमने पिछले सेशन में ये देखिए बताया था, इसमें शायद हम डबल बताना भूल गए हैं, इसको देख लीजिए आप कि डबल में 8 byte लेता है और 64 bits हो जाती है, क्योंकि एक बिट में 8 होती है तो 8 byte में, एक बाइट में 8 bit होती है तो 8 byte में 64 byte हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट कल हमने बताया था आपको, और आज फिर से ये बता रहे हैं। अब हमने यहाँ पे वेरिएबल x और y और पॉइंटर PTR1 और PTR2 डिफाइन किया। अब PTR1 और PTR2 में x और y की वैल्यू के एड्रेस को हमने असाइन किया, तो PTR1 में एड्रेस x का जाएगा और PTR2 में एड्रेस y का जाएगा। जब PTR1 में एड्रेस x का जाएगा तो PTR1 की स्टार के साथ वैल्यू 10 होगी, और एम्पर से जब विदाउट स्टार लेंगे तो उसकी मान लेते हैं ज्यूम की एड्रेस 65524 है, और y का एड्रेस PTR2 का एड्रेस 65526 है, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। अब वैलिड ऑपरेशन क्या होगा, वैसे तो वह हेक्साडेसिमल में देता है वैल्यू को, आगे अभी हम जब प्रोग्राम करेंगे तो आपको दिखाएंगे। वैलिड ऑपरेशन क्या होगा, PTR प्लस प्लस और माइनस माइनस PTR2। तो जब हम एड्रेस को प्लस प्लस करेंगे तो वो 65 PTR1 को 65526 कर देगा, क्योंकि वो 4 था तो 2 उसमें जुड़ जाएगा तो वो 626 हो जाएगा, और जब हम माइनस PTR2 करेंगे तो एड्रेस घटकर 24 हो जाएगा। दैट मीन्स कि PTR2 x को रेफरेंस करने लगेगा और PTR1 y को रेफर करने लगेगा, तो एड्रेस जो है वो एक्सचेंज हो जा रहा है। अब हम आगे बढ़ रहेंगे, इफ पॉइंटर मतलब एड्रेस जो है वो चेंज हो जा रहा है। इफ पॉइंटर PTR1 एंड PTR2 प्रॉपरली डिक्लेयर्ड एन असाइन देन वैलिड ऑपरेशन आर। अब अगर हम प्रॉपर ढंग से PTR को डिफाइन करते हैं, अगर हम डायरेक्ट स्टार PTR1 इक्वल्स टू 10 लिख देते तो वो रॉन्ग हो जाता। हमेशा पॉइंटर को डिफाइन करने के लिए विदाउट स्टार लगाए उस
जिस वैल्यू को की जिसकी वैल्यू प्रेफर करनी है उसके एड्रेस को हम असाइन करते हैं और तब फिर काम करते हैं। तो जब हम ptr 1++ कर रहे हैं तो एड्रेस प्लस हो रहा, अगर हम यहीं पे स्टार ptr 1++ करते तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती, 10 में 1 जुड़ जाता और ये 11 हो जाता। और अगर हम माइनस माइनस स्टार ptr 2 करते तो यहाँ पर ptr 2 की वैल्यू 19 हो जाती, क्योंकि 20 थी तो वो क्या हो जाएगी, 19 हो जाएगी एक घट करके, क्योंकि एक बार घट रहा है हमारा तो उसकी वैल्यू घट जाएगी। इफ पॉइंटर ptr 1 एंड ptr 2 properly declare and assign the value operations are, अगर proper ढंग से ये यहाँ पे proper ढंग से define है तो उसको अगर हम proper ढंग से काम करेंगे तो क्या होगा। अब यहाँ पे हमने इनको pointer, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम कि दो pointers होता है same value को refer कर रहा है, यहाँ पे दो pointer दो value को refer कर रहा था, x और y अलग अलग value थी। यहाँ पे हमने rest नाम का एक variable लिया जिसमें pointer 1 pointer 2 को हम लोग रिफर कर रहे हैं पॉइंटर वन और पॉइंटर टू से। तो पॉइंटर वन जो है वो एम्परसेंट रेस्ट को पॉइंटर वन में एड्रेस डालेगा और पीटीआर टू में भी रेस्ट का एड्रेस डालेगा। अब दोनों का एड्रेस सेम है और वैल्यू सेम है तो कैसे ऑपरेशन होगा, यहाँ पे रेस्ट इक्वल्स टू रेस्ट प्लस पीटीआर वन किया। अब रेस्ट की वैल्यू 10 है और जब हमने स्टार लगाया दैट मीन्स कि पीटीआर में भी वैल्यू 1 है 10 है, तो 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्योंकि रेस्ट की वैल्यू भी 10 है और ptr की वैल्यू भी 10 है। अब हमने दिया ptr 1 इक्वल्स टू ptr 2 प्लस 5। अब हम क्या कर रहे हैं, ptr 2 में क्या है 10 है और ptr 2 में जब हम 5 जोड़ रहे हैं ptr 2 में क्या है 20 हो गया, क्योंकि तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई है, ptr 1 में चेंज हुई तो ptr 2 में भी चेंज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि दोनों सेम एड्रेस को रिफर कर रहे हैं, तो जब हम ptr 1 चेंज करेंगे तो ptr 2 भी चेंज हो जाएगा। अब ptr 2 भी चेंज हो गया तो जब हम फिर से लिखेंगे ptr 1 इक्वल्स टू ptr 2 प्लस 5 तो ये 25 हो जाएगा। अब क्या जादू होगा कि ptr 1 में भी 25 हो गया और ptr 2 में भी 25 हो गया, क्यों, क्योंकि दोनों सेम एड्रेस को रिफर करते हैं। तो जब हम प्रोडक्ट अब निकालते हैं, प्रोडक्ट स्टार ptr 1, अब यहाँ स्टार लिखने के बाद दोनों तरफ स्पेस देनी पड़ेगी नहीं तो वो नहीं समझेगा, वो डबल पॉइंटर बना लेगा। तो सिंगल पॉइंटर के लिए दोनों के बीच में स्पेस दिया और दोनों को ptr 1 और ptr 2 को मल्टीप्लाई किया। जब ptr 1 और ptr 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अब दोनों में क्योंकि 25 है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन होकर 625 आ गया। अब 625 आ गया तो अब कोटेशन क्वेश्चन निकाले हैं तो ptr 1 अपॉन ptr 2 करेंगे जब हम, तो 25 अपॉन 25 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको मेरी बताई बात समझ में आ रही होगी और नहीं आ रही है तो वीडियो पीछे करके उसको फिर से सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा और कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ptr इक्वल्स टू अब ptr 1 इक्वल्स टू क्या करा उसने, ptr 1 माइनस 5 किया। तो ptr 1 क्या होगा हमारा 25 था, उसमें माइनस 5 किया तो 20 हो जाएगा क्योंकि ptr 1 और ptr 2 में 25 था। यहाँ पे अगर हम ptr 1 की जगह 2 लिखते हैं तो भी वही होगा क्योंकि ptr 2 और ptr 1 में 25 है, तो हम जब 25 में से 5 हटाएंगे तो क्या होगा 20 हो जाएगा। तो जो वैल्यू पहले थी रेस और ptr 1 के जुड़ने पर वही वैल्यू वापस आ जाएगी। तो इस तरह से जब हम पॉइंटर लगा के करते हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी पॉइंटर के साथ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम एड्रेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नहीं होगा, जिसको हम आगे अभी बताते हैं। कंपेरिजन बिटवीन पॉइंटर एंड एड्रेस इज पॉसिबल, पॉइंटर एड्रेस इज पॉसिबल। दो एड्रेस हमने लिए हैं 2465524655265526,
अब जब इसको आप इक्वल कहिएगा तो ये फॉल्स दे देगा, जब आप इसको पीटीआर वन लेस देन पीटीआर टू, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टार नहीं लगा है, तो स्टार नहीं लगा मीन्स आप एड्रेस पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे स्टार लगा था मतलब आप वैल्यू पे काम कर रहे थे, तो जब हम कंपेयर करेंगे तो ये फॉल्स दे देगा, ये ट्रू दे देगा और ये फॉल्स नॉट इक्वल्स टू, तो ये भी ट्रू दे देगा, तो ये और ये तो ट्रू दे देगा लेकिन ये आपका फॉल्स दे देगा क्योंकि 6552 नॉट इक्वल्स टू 65526। अब चलते हैं क्या ऑपरेशन हम पॉइंटर के साथ नहीं कर सकते, ऑपरेशन विच कैनॉट वर्क विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंटर्स आर पॉइंटर्स वेरिएबल एड्रेस कैनॉट बी एडेड। दो एड्रेस को हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि रेफरेंस पोजीशन हमारी खराब जाएगी। अब हमने दो पॉइंटर लिए P1 P2, अब P1 में हमारा अगर 65524 है और P2 में हमारा 65526 है, ऐसा अज्यूम करके चलते हैं, तो उनके एड्रेस को जब हम प्लस करेंगे तो क्या होगा, एड्रेस ही बदल जाएगा, तो हम दो एड्रेस को जोड़ नहीं सकते। अब PTR1 into PTR2 करेंगे ये भी गलत है, PTR1 upon PTR2 करेंगे ये भी गलत है। अब आप कहिएगा अभी तो आपने बताया कि प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर देते हैं, तो यहाँ भैया हमने स्टार के साथ बताया है, स्टार के साथ हम कर सकते हैं लेकिन हम विदाउट स्टार पॉइंटर में काम एड्रेस के साथ करते हैं, तो उसको हम ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना डिवाइड कर सकते हैं और ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना ऐड कर सकते हैं। कैनॉट असाइन वन पॉइंटर वेरिएबल एड्रेस टू अनदर। अब आप कहते हैं P1 इक्वल्स टू P2, अब देखिए सिंगल इक्वल जब होता है तो दैट मीन्स राइट हैंड साइड वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में जाती है, तो हम एक एड्रेस को एक पॉइंटर को दूसरे पॉइंटर में असाइन नहीं कर सकते। यर P2 एड्रेस असाइन टू P1 एंड P2 इज अनइनिशियलाइज्ड। जब आप P1 इक्वल्स टू P2 लिखते हैं तो P2 का एड्रेस P1 में चला जाता है और P2 का एड्रेस ख़त्म हो जाता है और P1 पॉइंट टू द P2 और P1 P2 को पॉइंट कर पॉइंट टू द P2 लोकेशन, जहाँ पे P2 की लोकेशन थी P1 उसको पॉइंट करने लगता है, सो एन इनवैलिड रेफरेंस विल बी अकर। तो इनवैलिड रेफरेंस हो जाएगा। इंक्रीमेंटिंग अ पॉइंटर वी प्रेफर यूजिंग अ पॉइंटर इन आवर प्रोग्राम इंस्टेड ऑफ एन एरे बिकॉज द वेरिएबल पॉइंटर कैन बी इंक्रीमेंटेड अंटिल द एरे नेम विच कैनॉट बी incremented because it is a constant pointer. Array का जो first नाम जो हम लेते हैं वो array constant होता है, pointer होता है, और program increment the variable pointer to access the each succeeding element of the array के को access करने के लिए हम simple variable point variable लेते हैं उसको access करने के लिए, तो उसके लिए अब क्या कर रहे हैं स्टार पीटीआर लेट अस हैव एरे एड्रेस इन पॉइंटर पीटीआर इक्वल्स टू वेर। अब देखिए यहाँ एम्परसेंड नहीं लगाया क्योंकि एरे तो खुद ही एड्रेस है, तो यहाँ पे वेर लगाया। अब यहाँ पे आई इक्वल्स टू जीरो, आई इज लेस देन मैक्स। अब मैक्स हमने डिफाइन किया कि तीन वेरिएबल है, तीन वेरिएबल कौन सा है 10, 100 और 200 एंड आई प्लस प्लस, तो आई लेस देन मैक्स और आई प्लस प्लस करा हमने। प्रिंट एफ एड्रेस ऑफ वेर परसेंट डी इक्वल्स टू परसेंट एक्स बैक स्लैश एन। अब हमने क्या किया कि उस वेरिएबल एरे के फर्स्ट वैल्यू का फर्स्ट पोजीशन का हमने एड्रेस प्रिंट कराया और दूसरे में एरे के वैल्यू को प्रिंट कराया, तो एड्रेस हमने पीटीआर से प्रिंट किया और जब स्टार लगा तो उसकी वैल्यू प्रिंट हुई। ये चीज हम शुरू में इसीलिए हमने आपको बता दिया कि जब भी स्टार लगेगा दैट मीन्स हम पॉइंटर के वैल्यू से वर्क कर रहे हैं और जब स्टार नहीं लगेगा तो हम लोग एड्रेस से वर्क करेंगे। अब मूव नेक्स्ट लोकेशन जाएंगे पीटीआर प्लस प्लस करेंगे और पीटीआर प्लस प्लस करेंगे तो एड्रेस कैसे चेंज होगा, इंटीजर है तो टू डिजिट टू वैल्यू एड हो जाएगी, जैसा कि हमने ऊपर आपको बताया था कि जब प्लस प्लस करेंगे तो क्या होगा, जब प्लस प्लस करेंगे तो
वैल्यू जो है इंटीजर है तो 2 पॉइंट से बढ़ जाएगी या घट जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 24 था 26 हो गया और 26 था तो 24 हो गया। ये ऐसा हम एज्यूम करके चल रहे हैं, वो हेक्साडेसिमल में वैल्यू दे पाया। आगे हमने प्रोग्राम रन करके उसका आउटपुट निकाला है तो हेक्साडेसिमल वैल्यू उसमें आपको दिख जाएगी। तो ये देखिए हमने ये इसको प्रोग्राम को रन भी किया है, प्रैक्टिकली भी हम इसको कल बता देंगे। एड्रेस ऑफ वेयर 0 इक्वल्स टू FFF0। अब क्या हुआ, FFF0 फर्स्ट पोजीशन का एड्रेस आ गया और उसकी वैल्यू 10 आ गई। फिर 2 क्योंकि इंटीजर है तो 2 बढ़ गया, FFF2 हो गया, फिर FFF4 हो गया। तो इस तरह से PTR की वैल्यू जो है, एलिमेंट की वैल्यू जो है वो 10, 100, 200 आई और एड्रेस वैल्यू जो है FFF0, FFF2 और FFF4 आ गई। तो इस तरह से हम एड्रेस और उसकी वैल्यू को पॉइंटर के थ्रू प्रिंट करा सकते हैं और एरे के पोजीशन को हम वेरिएबल से एक्सेस करते हैं और वैल्यू को प्रिंट करने के लिए स्टार लगाते हैं और PTR++। अब देखिए PTR++ कर रहे हैं, स्टार नहीं लगा रहे हैं, PTR++ कर रहे हैं, तो एड्रेस प्लस होगा ना कि पॉइंटर प्लस होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, डिक्रीमेंटिंग अ पॉइंटर। इसी तरह से हम डिक्रीज भी करेंगे और एरे को रिवर्स ऑर्डर में पढ़ेंगे। तो रिवर्स ऑर्डर में पढ़ेंगे तो क्या होगा, द सेम कंसिडरेशन अप्लाई टू डिक्रीमेंटिंग अ पॉइंटर विच डिक्रीज इट्स वैल्यू बाय नंबर ऑफ बाइट्स ऑफ इट्स डेटा टाइप एज शोन बिलो। अब फिर से सेम वेरिएबल हमने डिफाइन किया, सेम एरे डिफाइन किया, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं हम, मैक्सिमम वेरिएबल जो है वो एम्परसेंट वेर मैक्स माइनस वन कर दे रहे हैं। तो मैक्स माइनस वन कर दे रहे हैं तो क्या होगा, I equals to max और I is greater than 0, I minus minus, max minus 1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट पोजीशन से एक पोजीशन कम लेता है ना, क्योंकि एरे जो होती है हमारी 0 से स्टार्ट होती है एरे पोजीशन, तो max minus 1 किया। अब यहाँ I equals to max, I is greater than 0, I minus minus लिया। अब यहाँ पे प्रिंट एड्रेस किया, आई माइनस वन किया। अब यहाँ पे देखिए आई मैक्स माइनस वन यहाँ पे लिया है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, आई माइनस वन लिया है। यहाँ पे आप ये भी कर सकते थे कि मैक्स माइनस वन ले लेते, तो ये चाहे यहाँ माइनस वन कर दीजिए, चाहे यहाँ माइनस वन कर दीजिए। तो आई माइनस वन कॉमा PTR किया, तो पहले वो एड्रेस प्रिंट करेगा और फिर दूसरे में वैल्यू प्रिंट करेगा। अब देखिए रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर रहा है, यहाँ पे i++ की जगह i माइनस माइनस करेंगे और i ग्रेटर देन जीरो करेंगे, उसमें क्या किया था, i लेस देन मैक्स वैल्यू की थी। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस भूल गए थे हम लोग, एम्परसेंट वेयर करना पड़ेगा, एम्परसेंट वेयर और यहाँ पर ब्रैकेट में जीरो। इसको प्रैक्टिकल में चेक करके भी आपको बता देंगे कि क्या प्रॉपर होगा इसमें। ये हो गया एम्परसेंट मैक्स माइनस वन। अब आया यहाँ पर, यहाँ पर मैक्स माइनस वन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग का फर्स्ट पोजीशन लेगा। उसने वेयर इसलिए लिया था, फर्स्ट पोजीशन ले रहे हैं, मान लीजिए जो भी एरे का नेम होता है वो खुद ही एड्रेस होता है। तो अगर केवल वेयर लिखेगा तो मीन्स है कि वो एड्रेस फर्स्ट पोजीशन का ले रहा है बाय डिफॉल्ट। पॉइंटर कंपैरिजन, अब हम प्रैक्टिकली पॉइंटर कंपैरिजन भी बता दे रहे हैं। पॉइंटर में भी कंपेयर बाय यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर इक्वल टू लेस देन एंड ग्रेटर देन। इफ़ P1 P2 पॉइंटर टू पॉइंट टू variables that are related to each other such as element of the same array then P1 P2 can be meaningfully compared। अगर एक ही array के दो value हैं तो P1 और P2 को compare हम कर सकते हैं। The following program modifies the previous example one by incrementing the variable pointer so long as the address to which it points is either less than or equal to the address of लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। तो चलिए इसको करके प्रैक्टिकली समझाते हैं।
कॉन्स्टेंट इंट मैक्स इक्वल्स टू 3. इंट मेन, इंट वेरिएबल 10, 100 and 200. इंट आई स्टार पीटीआर. अब यहाँ पर देखिए एक इंटीजर वेरिएबल आई लिया और पीटीआर को डिफाइन किया. इसमें देखिए यहाँ पर भी वो ले रहा है वेर, और ये रन कर चुके हैं प्रोग्राम. दैट मीन्स कि वो फर्स्ट पोजीशन के लिए हमें पोजीशन नहीं देनी पड़ेगी, इसीलिए इस वाले प्रोग्राम में भी वेर लिया था उसने. तो यहाँ पे अगर हम ये दें चाहे हम ये ना दें, ये वेरिएबल फर्स्ट वेरिएबल ले लेगा, क्योंकि फर्स्ट वेरिएबल जो होता है वो एरे का एड्रेस होता है. अब चलिए यहाँ पर कंपैरिजन वाला कहाँ गया, कंपैरिजन करते हैं हम लोग. वेर इक्वल्स टू इतना ये इसने असाइन किया, आई इक्वल्स टू 0 वाइल पी टी आर लेस देन वेर. अब यहाँ पे फॉर की जगह उसने वाइल से कंपेयर, वाइल से काम कर रहा है. तो अब यहाँ पे एड्रेस प्रिंट किया उसने और वैल्यू प्रिंट किया फिर से. अब पी टी आर प्लस प्लस और आई प्लस प्लस किया. पी टी आर प्लस प्लस करेंगे तो आगे की वैल्यू लेगा, और पी टी आर आई प्लस प्लस करेंगे तो आई की वैल्यू बढ़ा देगा. तो आई की वैल्यू यहाँ पे आई पहली बार 0, उसकी पोजीशन प्रिंट कराई, लोकेशन प्रिंट कराई और इसका आउटपुट निकल आया. तो यहाँ पर ये वैल्यू सिर्फ प्रिंट कर रहा है और कंपेयर कर रहा है पीटीआर से, मैक्सिमम वैल्यू से. तो हर बार हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर पीटीआर की जो भी वैल्यू आ रही है मैक्सिमम वैल्यू से कंपेयर हो रही है. तो हम वैल्यू को कंपेयर करा कर लूप वाइल लूप में चला रहे हैं. नेक्स्ट है एरे ऑफ पॉइंटर. अब एरे में तो हम लोग यूज ही कर रहे थे, लेकिन अब उसको और अच्छे से समझ लेते हैं. बिफोर वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एरे ऑफ पॉइंटर, लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल विच यूजेस एन एरे ऑफ 3 इंटीजर. ये तो हम लोग कर ही रहे इतनी देर से. तो फॉर उसको प्रिंट करा लिया उसने, तो वैल्यू देखिए अब इसमें यहाँ पे केवल वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं हम लोग वेरिएबल का, एड्रेस का, और पॉइंटर नहीं यूज कर रहे हैं. सिंपल एरे हम लोग ने प्रिंट कराई. अब देयर मे बी अ सिचुएशन व्हेन वी वांट टू मेंटेन एन एरे विच कैन स्टोर अ पॉइंटर टू एन इनटू और करेक्टर और एनी अदर डेटा टाइप. फॉलोइंग इज द डिक्लेरेशन ऑफ एरे ऑफ पॉइंटर टू इंटीजर. अब क्योंकि ऊपर वाला देखिए हमने सिंपल एरे प्रिंट कराई, अब उसको इसमें एक पॉइंटर डिफाइन कर रहे हैं इंट स्टार पी टी आर मैक्स. इट्स डिक्लेयर अ पी टी आर एज एन एरे ऑफ मैक्सिमम इंटीजर पॉइंटर. दस ईच एलिमेंट इन पी टी आर होल्ड एन पॉइंटर टू एन इंट वैल्यू. द फॉलोइंग एग्जाम्पल यूजेस 3 इंटीजर विच आर स्टोर्ड इन एरे ऑफ पॉइंटर. अब एरे ऑफ पॉइंटर यूज कर रहे हैं जैसे कि ऊपर कर रहे थे. तो एरे ऑफ पॉइंटर हमने डिफाइन की पी टी आर मैक्स, मैक्स में हमारी 3 है, मतलब पॉइंटर 3 पोजिशन तक जाएगा. फॉर आई इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन मैक्स आई प्लस प्लस. तो सिंपल उसने एरे को प्रिंट कर दिया. अब इसी को पॉइंटर से हम करेंगे तो कैसे करेंगे, आई इक्वल्स टू 0 आई इज लेस देन मैक्स आई प्लस प्लस, और यहाँ पर वैल्यू ऑफ वेरिएबल परसेंट डी बैक स्लैश. आई में क्या करेगा वैल्यू, और पहले वाली में वेरिएबल वैल्यू आई कर देगा और दूसरे वाली में पी टी आर आई करेगा. पी टी आर में मैक्सिमम क्या है 200 पोजीशन है, तो वो प्रिंट करेगा पी टी आर आई को. तो ये प्रिंट क्या हो रहा है पी टी, अब देखिए पॉइंटर पोजीशन लेकर प्रिंट कर रहा है, पॉइंटर को बढ़ा नहीं रहा, पॉइंटर पोजीशन लेकर प्रिंट कर रहा है. तो 10, 100 और 200 हो रहा है. तो इस तरह से पॉइंटर की पोजीशन से भी हम विदाउट बढ़ाए आई को वेरिएबल को बढ़ा करके हम एरे को प्रिंट कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो यूज एरे पॉइंटर टू करेक्टर. एरे पॉइंटर को हम करेक्टर के लिए भी यूज कर सकते हैं, करेक्टर एरे के लिए.
कॉन्स्टेंट इन मैक्स इज इक्वल टू 4। इंट मेन कैरेक्टर नाम की एक पॉइंटर एरे बनाई नेम नाम से, जिसमें चार वैल्यू स्टोर की, और फिर आई इक्वल्स टू 0 किया। आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन मैक्स, मैक्स 4 है, आई प्लस प्लस। अब नीचे आए, वैल्यू ऑफ नेम परसेंट डी परसेंट एस बैक स्लैश एन आई नेम आई। अब क्या करेगा, नेम नाम के वेरिएबल को, नेम नाम के एरे को प्रिंट कर देगा, आई आई प्लस प्लस, है ना, नेम नाम के वैल्यू को प्रिंट करेगा। अब आपके ध्यान दीजिए, क्योंकि करेक्टर एरे है तो पॉइंटर में देखिए नेम में स्टार नहीं लगा है, क्योंकि नेम हमारा खुद ही एड्रेस है, तो ये वैल्यू को प्रिंट कर देगा, अमित सुमित रोहित अश्विन। तो इस तरह से करेक्टर और इंटीजर में फर्क होता है, और आपकी एड्रेस जो होगा एक बाइट से बढ़ेगा, क्योंकि करेक्टर जो होता है एक बाइट ही लेता है। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर, आई थिंक कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जहाँ पे क्लियर ना हो, कोई कंफ्यूजन हो, आप प्लीज़ पूछ लीजिएगा, क्योंकि पॉइंटर बहुत कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, हम दोबारा वीडियो बना देंगे। एरे में अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो भी हम दोबारा बना देंगे। सो थैंक यू व्यूअर, दिस इज ऑल टुडे। इफ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।